है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ये जो वीडियो है ये मेरी सिटी इंदौर के लिए, कि इंदौर में क्या क्या घूमने लायक है। अगर आप इंदौर आ रहे हो तो आपको क्या क्या घूमना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो सिर्फ उसी पे है। तो आज का हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखो कि क्या क्या घूमने लायक है, जब आप आते हो तो आपको क्या क्या देखनी चाहिए यहाँ पे। तो चलते हैं, मिलते हैं। तो गाइस, घर से निकलने के बाद अभी मैं आया हूँ अन्नपूर्णा साइड, आया हूँ मेरे दोस्त को लेने। ये गौरव AKA चोंडी। तो आज हम दोनों घूम के पूरा करने वाले कवर। तो अभी चलते हैं सबसे पहले प्लेस पे। कहाँ चलना है? रंजीत हनुमान मंदिर है, मंदिर से शुरुआत करते हैं। तो मिलते हैं डायरेक्ट अपने वहीं पे। तो गाइस, वहाँ से चल के अब हम लोग आ गए हैं रंजीत हनुमान मंदिर। ये है मेरे पीछे ये गेट है अंदर जाने का। तो अब अंदर जाते हैं, फिर आपको अंदर का बताते हैं। तो जो मैंने आपको अभी मेन गेट दिखाया था वो अभी कोविड के कारण बंद है। तो ये जो दूसरा रास्ता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहीं से जाना है अंदर। तो अंदर जाते हैं फटाफट और बताता हूँ मैं आपको। तो ये वाला गेट है जिससे आपको अंदर जाना है, अंदर गाड़ी भी जा सकती है आपकी। हमको लगा था कि वो वाला गेट है इसलिए हम पैदल आ गए थे। तो अब जा रहे हैं अंदर और आपको अंदर का दर्शन देते हैं। तो बने रहो। हाथ धोते रहो, कोविड चल रहा है तो सफाई रखो ताकि कुछ किसी को कुछ बनाओ अपने घर। तो चलते अंदर, मिलते अपन। अभी हम आ गए हैं अंदर मंदिर के। तो आपको थोड़े से दर्शन भी करा देता हूँ। अंबे माँ जी, नवरात्रि चल रही है आपको पता ही है। महादेव, हर हर महादेव। तो जिस अब क्या बताऊँ, आप देखो बस। बाय बाय कर रहे हैं हम, यहाँ से निकल रहे हैं। एक बार आप दूर से लुक देखो, ऐसा कुछ है लुक। तो अब निकलते हैं, अगली प्लेस पे जाते हैं, मिलते हैं आपसे वहीं पे। तो गाइस, एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं कि अगर आप आ रहे हो रंजीत हनुमान घूमने तो 2 बजे से पहले आएँ। 2 बजे गेट बंद हो जाता है, मंदिर बंद हो जाता है, वो भी सिर्फ अभी कोविड है उसके कारण हो रहा है। तो पॉसिबल हो तो 2 से पहले आए या तो 4 के बाद आए, क्योंकि 2 से 4 बजे तक बंद रहता है। तो उसके बाद आए आप और देखें यहाँ का। और अब हम लोग निकल रहे हैं, हमारे चोंडी जी ने गाड़ी उठा ली है। अब निकल रहे हैं हम और आपको डायरेक्ट प्लेस वहीं पे बताते हैं कि कौन सी प्लेस जा रहे हैं। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। ये लग गई है बहुत ज़्यादा ना। गाड़ी खड़ी है आपकी, ये हमारे चेतन भाई हेल्प कर रहे हैं ना। नहीं नहीं खड़ी है गाड़ी, नहीं जाएगी कहीं। बैठो
जाए। हाँ अरे गाड़ी वाला हाँ आ रहा हूँ ना लेके आ रहा हूँ। तो गाइस अभी एक एक्सीडेंट हो गया था, मैंने आपको जैसे दिखाया, तो उनको हॉस्पिटल लेके गया था। तो फिर अभी उनको हॉस्पिटल पे छोड़ के फिर जिसने ठोका था उनको देखने आए थे, वो तो नहीं मिला यहाँ पे, तो उनको तो हॉस्पिटल छोड़ दिया है। अब वो जा रहे हैं शायद रिपोर्ट करने, जो भी सीन है। तो अब अपन अपने वीडियो पे कंटिन्यू आते हैं। तो अब अपन जा रहे हैं रिजनल पार्क, तो पहुँचते हैं वहाँ पे, बताता हूँ मैं आपको। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ तो गए थे, पर अभी यहाँ पे पता चला है कि कोविड के कारण ये लोग संडे बंद रखने लग गए हैं, और आज संडे है तो अब कल खुलेगा। तो आप बाहर से देख लो, अगर आप आते हो तो यहाँ पे घूम सकते हो, अंदर पूरा गार्डन बना हुआ है। और अब कोई प्लेस पे जाते हैं, न्यू जाते हैं, अब देखते हैं। बाकी ये तो बंद निकला है, तो चलो अगली प्लेस पे चलते हैं। गाइस जो अभी हमारी नेक्स्ट प्लेस है वो है अन्नपूर्णा मंदिर। नवरात्रि चल रही है इसलिए भीड़ भी बहुत होगी अंदर अभी, तो जाते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको, अंदर के दर्शन भी कराते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से बना है पूरा मंदिर, सामने चार हाथी भी मिल जाएंगे आपको देखने को। तो चलते हैं मेन प्रवेश द्वार, ये द्वार है पूरा प्रवेश का। दादाजी मिले, क्या नाम है दादा आपका? राधेश श्याम। राधेश श्याम, कब से हो यहाँ पे आप? मैं इंदौर में। हाँ इंदौर में जन्म, इंदौर में हुआ। अच्छा, और ये मंदिर में कब से हो आप? मैं करीब दो तीन वर्ष से आ रहा हूँ। अच्छा, और मंदिर के बारे में कुछ बताओ आप। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है इंदौर में, बाहर से भी दूर दूर से पूरे भारत में से यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, और यहाँ अपनी मान्यता करते हैं, मनोकामना वो विश्वास है कि पूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे पूरी होती है, मनोकामना पूरी करती है। आप आओ यहाँ पे, अपनी मन्नत रखो, आपकी भी पूरी होगी। आपको पता है माँ है, माँ बच्चों के लिए सब कुछ करती है। तो गाइस ये था अन्नपूर्णा मंदिर, ये इंदौर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। पूरा इस तरह से बना हुआ है, आप आओ घूमो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, बहुत अच्छा है मंदिर। तो आपके लिए गाइस ये आप लोगों को मैंने जो दिखाना चाह रहा हूँ इंदौर के बारे में, क्योंकि आप भी कभी ना कभी इंदौर आओगे या इंदौर आए हो तो आप बिल्कुल घूमे होंगे ये जगह, तो आप लोगों को पता होगी। और अगर आप पहली बार इंदौर आ रहे हो तो आप लोगों को बिल्कुल देखनी चाहिए ये चीज़ें। तो अभी कुछ देखते हैं, अभी धूप भी हो रही है और अभी तो और प्लेसेस करनी है विजिट, तो करते हैं अभी फटाफट, चलते हैं नई प्लेस पे। राजवाड़ा आ गए भैया लोग अपन, और ये इंदौर का सबसे सस्ता मार्केट है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बहुत रिजनेबल मिलेगी, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जो नहीं मिलेगी। और जो राजवाड़ा का महल है वो देखो आप,
इसका काम चल रहा है, इसका पूरा काम बाकी है अभी राजवाड़ा का। और ये है पूरा राजवाड़ा, ये राजवाड़ा स्क्वायर है और यहाँ पे अंदर मार्केट है। और यही जो सीधा मार्केट जा रहा है यही जाएगा सराफा, पर अभी वो रात में बंद है सराफा मार्केट। तो ये है राजवाड़ा, अभी इसका काम चल रहा है। नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी। छोटी क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सभी मिलता है, आपको क्या चाहिए यहाँ पे सभी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे जगह जगह बैठे हुए सब लोग यही शॉपिंग करने आते हैं। सब सस्ता मार्केट है इंदौर में, मैं खुद यहाँ आता हूँ। तो ऐसा है कुछ राजवाड़ा, मतलब ये इंदौर की जान है, एक हिसाब से इंदौर की जान है। तो आप खरीदो यहाँ से, मस्त आओ खरीदो, शॉपिंग करो, घूमो सराफा तो अभी बंद है फिलहाल। जो यहाँ का रात का मार्केट है सराफा का, खाने का, वो बहुत घूमने लायक है, मज़ेदार चीज़ है वो। पर ऐसा ही है कुछ, तो जब भी आओ आप, आपको अगर रिजनेबल शॉपिंग करनी हो अगर आपको, तो आओ यहाँ से खरीदो सामान, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, सारे प्रकार की चीज़ें मिल जाएगी। तो सो गाइस, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं राजवाड़ा से, और टाइम भी अच्छा खासा हो गया है, और अभी दो तीन प्लेसेस और बाकी है आपको दिखाने के लिए। तो वो प्लेसेस पे जाते हैं, आपको विज़िट कराते हैं। अगर आप लोग खाने के शौकीन हैं तो ये जगह सिर्फ आपके लिए। अगर आपको फूड बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम लोग आ गए हैं अभी छप्पन, जहाँ पे आपको सभी प्रकार का फूड मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे। तो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मिलेगा। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरा छप्पन जो मार्केट है, पूरा खाने का मार्केट है। अगर आप आते हो, आप खाने के बहुत शौकीन हो, तो यहाँ पे आओ और यहाँ का ट्राई करो। तो गाइस, अब हम लोग हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, मतलब जो आज की इस वीडियो की जो आखिरी प्लेस है विज़िट करने की, तो वहाँ आ चुके हैं। और वो प्लेस है खजराना मंदिर, ये इंदौर का सबसे फेमस मंदिर है। तो अब अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर से। लोगों ने तो दर्शन कर लिए हैं, पर कैमरा अंदर ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं करा पाया। तो आप लोग थोड़ा बाहर से ही देख लो कि यह है पूरा खजराना गणेश मंदिर। तो हमको अंदर तो ले जाने नहीं दिया है, तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। और ये इस वीडियो की आखिरी प्लेस थी। सो गाइस, आज का हम वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, और हमने अराउंड 6-7 जगह कवर की है, और एक जो नहीं होना चाहिए था वो भी हुआ, एक एक्सीडेंट भी हो गया था, तो आप लोगों ने जैसा देखा। तो फिर मैं उनको पूरा हॉस्पिटल ले गया, उनको वहाँ पे छोड़ा, फिर उसका गौरव मेरे पास वापस आया, फिर हम लोगों ने कंटिन्यू किया इस वीडियो को। आपने पूरी चीज़ें देखी, गौरव मेरे साथ पहली बार कर रहा है ये चीज़। गौरव कैसा लगा? अरे बहुत मज़ा आया मुझे, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में भी साथ में रहूँगा।
यही आशा है हमारी। तो बस आपको, अगर आप कभी इंदौर आए हो तो आपने कौन कौन सी जगह देखी है तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी इंदौर की। और ये वीडियो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जब तक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि क्या लगा। तब तक के लिए मैं ही खिलाड़ा, मैं ही पीरो, मैं ही हूँ अश्वत्थ धामा, समझ रहे हो। तो अब चलते हैं, रामा रामा क्या है ये ड्रामा। पीस।